शुरुआत हम करते हैं उस दरबार की, जिस दरबार में पहले जनता गई, वो जनता दरबार ही था, वो रोकर आई, उसके बाद सांसद पहुंचे, वो बेबस असहाय खुद को मानते हुए आए। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर सवाल करेंगे। सीएम साहब को मिला, मैंने कागज दिया, मैंने ब्रीफ करना शुरू किया कि अमन मणि त्रिपाठी ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। कागज नचा के फेंक दिया, कहा आवारा कहीं का। दरखास्त हमने दे दिया और ऐसे भी दिया दरखास्त में कि हमने ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता कि हाँ आपने दे दिया, ठीक है जाओ। जनता की आंख में आंसू और सांसद के चेहरे पर रुआसापन, और दोनों ही यूपी के सीएम से मिलकर लौटे, पर समाधान नहीं निकला। आयुष के आंख के आंसुओं से हंगामा मचा, पर समाधान इतना ही निकला कि जमीन का मुद्दा और उलझ गया। लेकिन उनके सामने सवाल कि सीएम से मिल लिया, अब वो किससे मिलने जाए। पर सांसद छोटेलाल खरवार तो सीएम से एक दो बार मिले, तीन बार मिले, पर उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन उनके आगे का रास्ता उन्हें पता था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में साफ लिख दिया, सीएम अपने विधायक सांसदों की ही नहीं सुनते। अपने विधायक एमपी का बात नहीं मान रहे हैं, अगर मानते तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो सीएम योगी के खिलाफ दिए गए इस बयान को महज आरोप न समझा जाए, बल्कि यूपी की सांसद की आप बीती भी है और इन बयानों में लाचारी भी है, बेबसी भी है। लाचारी अपनी ही सरकार में सुनवाई न होने की है, बेबसी एक दलित सांसद होने के नाते जाति आधारित भेदभाव का शिकार होने की है, और छोटे लाल सांसद का आरोप कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन पर सरेराह बंदूक तान दी गई, जाति सूचक अपशब्द कहे गए और राज्य की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। आदेश किया जा रहा है लेकिन एसपी सुन नहीं रहे, अधिकारी गलत रिपोर्ट दे करके काम खत्म कर दे रहे हैं। छोटे लाल बेबसी सुनाने लखनऊ पहुंचे, लेकिन सीएम के रवैये ने उनके जख्मों को और बढ़ा दिया। महाराज के रामराज्य में ऐसा अत्याचार हुआ कि सांसद छोटे लाल प्रधानमंत्री मोदी को अपनी आप बीती लिखने को मजबूर हो गए। छोटे लाल के आरोप जरा फिर सुन लीजिए। अपने विधायक एमपी का बात नहीं मान रहे हैं, अगर मानते तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो अब तक जो बात यूपी की जनता के आंसुओं से सुनाई दी, वो बात यूपी के सांसद ने जुबां पर ले आई, पर सरकार की अपनी सफाई भी है, इसे भी सुन लीजिए। लेकिन कुछ अधिकारियों के कारण से इस प्रकार की शिकायतें जहां पर भी पैदा हुई हैं, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पर छोटे लाल इकलौते सांसद नहीं जो सीएम योगी से नाराज हैं। इस फहरिस्त में अब इटावा से सांसद अशोक दोहरे का नाम भी जुड़ गया। प्रधानमंत्री को पत्र इन्होंने भी लिखा और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, भारत बंद के बाद एससी एसटी वर्ग के लोगों को यूपी समेत दूसरे राज्यों में प्रदेश सरकार व स्थानीय पुलिस झूठे मुकदमे में फंसा रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है और पुलिस निर्दोष लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए घरों से निकालकर मारपीट कर रही है। ये पत्र बीजेपी के ही सांसद का है और इसके आगे एक कदम बीजेपी सांसद सावित्री भाई फूले ने कहा। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोलकर बैठी हैं और अशोक देहरे भी यूपी में दलितों पर सरकारी अत्याचार की बात कह चुके हैं, और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी योगी के रवैये से नाराज हैं, ऊपर से छोटे लाल खरवार की नाराजगी। तो मसला सिर्फ लखनऊ का नहीं, मसला तो दिल्ली का है, क्योंकि 2019 हर किसी को नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री जानते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही निकलता है, और उन्हें यह भी पता है 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने उन सभी 17 सीटों पर कब्जा किया था जो सुरक्षित थी, लेकिन तब तो मोदी लहर थी, अब क्या होगा। जाहिर है लखनऊ नहीं तो दिल्ली तो कुछ सुनेगी आवाज। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।